दोस्तों, अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्त, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्त, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्त, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्त, इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जोन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से 1 महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में कीजी में और मैनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक एआर रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनीता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मा सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट मुकेश छाबरा ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मनोप
प्रांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी मोर मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक एआर रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अमिताभ भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मश सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट मुकेश छाबरा ने, हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के ऊपर द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में कीजी में और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक एआर रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मा सेतु और आरिफ शेख द्वारा किए गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सारे कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मनो परंत उपस्थित को चिन्हित कर किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी में और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्म सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा।
24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्त, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्त, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के ऊपर द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में कीजी और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंड ट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मा सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है,
तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है।
फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अमिताभ भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्म सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्त, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट मुकेश छाबरा ने, हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्त, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की
प्रसादी रोमांस फिल्म है जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से 1 महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित कर किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्म सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा,
यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जोन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से 1 महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी में और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मा सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा
इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्त, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्त, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सारे कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से 1 महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मनो परंत उपस्थित को चिन्हित कर किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में कीजी में और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंड ट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्म सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा।
और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट के मुकेश छाबरा ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद द्विवेदी, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी में और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी।
स्कोर और साउंड ट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अमिताभ भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मा सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक केतन और सुप्रीतम
सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सारे कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से 1 महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अमिताभ भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्म सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट मुकेश छाबरा ने, हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार,
शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस Hotstar के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस Hotstar के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में कीजी और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मश सेतु और आरिफ शेख द्वारा किए गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस Hotstar पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस Hotstar के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस Hotstar के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट मुकेश छाबरा ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जोन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से 1 महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में कीजी में और मैनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अमिताभ भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मा सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में कीजी में और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंड ट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अमिताभ भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मश सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट के मुकेश छाबरा ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने
टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी में और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनीता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मा सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का डिजनी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था।
तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सारे कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित कर किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी में और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्म सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट मुकेश छाबरा ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में कीजी और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंड ट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मश सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है। और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में कीजी में और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक एआर रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मश सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी
क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मनो
प्रांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक एआर रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अमिताभ भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मश सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट मुकेश छाबरा ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगनाथ सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से 1 महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी में और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनीता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मा सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है।
तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सारे कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मनो परंत उपस्थित को चिन्हित कर किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी में और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्म सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में।
तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में कीजी और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक एआर रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मश सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की प्रसादी रोमांस फिल्म है, जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित किया है और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है, जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से 1 महीने पहले पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं, जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में कीजी और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है।
फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक एआर रहमान द्वारा रचित थे, जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मश सेतु और आरिफ शेख द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर अभी दिल बेचारा मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल बेचारा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी दिल बेचारा, इस मूवी को डायरेक्ट मुकेश छाबरा ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया मुकेश छाबरा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 87% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सुशांत सिंह राजपूत, संदना सगी, शहीद वेद, दुर्गेश कुमार, शाश्वत चटर्जी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 25 से 30 करोड़ के करीब था। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करनी चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, दिल बेचारा 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की
प्रसादी रोमांस फिल्म है जिसे मुकेश छाबरा ने अपने निर्देशित में निर्देशित किया है और फोग स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित शशांक खेतान और सुप्रीतम सिंह पुटार द्वारा लिखित द्वारा पटकथा के साथ जॉन ग्रीन 2020 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के इसके बाद 2014 में अमेरिका फिल्म रूपांतरण पर आधारित फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को संगना सांगी से में ने टर्मिनल से कैंसर के रोगियों की भूमिका निभाई है जिसमें सहायक कलाकारों की टुकड़ी जबकि सैफ अली खान एक कैमरे करते हैं। यह फिल्म 14 जून 2020 को फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले ही उनकी मृत्यु के बाद राजपूत की अप्रत्याशित मरणोपरांत उपस्थित को चिन्हित किया गया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने 2014 में भारतीय रूपांतरण के अधिकार खरीदे हैं जिसके बाद 4 साल तक कास्टिंग और स्क्रीन प्ले में बदलाव हुए हैं। जून 2018 के अंत में किजी और मेनी शीर्षक के तहत फिल्मांकन शुरू हुआ है। फिल्म की शूटिंग जम्बेसपुर और रांची के बीच की गई थी। मुंबई में छिटपुट शेड्यूल के साथ आखिरी शूटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्कोर और साउंडट्रैक एआर रहमान द्वारा रचित थे जबकि बोल अभिनेता भट्टाचार्य लिखे थे। सिनेमेटोग्राफी और संपादन कर्मश सेतु और आरिफ शेख द्वारा किए गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।